हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रहे हैं बहुत प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दो प्रकार की ऊन लेनी है आपको। आप चाहे तो साड़ी चुन्नी से भी ले सकते हैं, आप चाहे तो ऊन से भी बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से दो कलर लिए हैं और ग्रीन कलर से मैं फंदे डालूँगी। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर फंदे डाल लिए हैं और फर्स्ट रो में आपको इस तरीके से देखिए सेम प्रोसेस में आपको करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह। ठीक है, अब दो फंदे इस साइड पे हमें छोड़ देने हैं और यहीं से पलट लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पे कंप्लीट फंदे बनाएंगे। अब देखें, दो फंदे इस साइड पे जब आए थे मैंने यहाँ पे दो फंदे छोड़ दिए थे। अब यहाँ से पलट के दो फंदे इस साइड पे छोड़ेंगे और यहीं से फिर से पलट देंगे इस तरीके से। फिर से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। ठीक है, तेरह फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए और दो फंदे फिर से छोड़ेंगे, पलट देंगे यहाँ पे फिर से इस तरीके से। दो, तीन, चार, तो न्यू है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारे साथ जुड़ सकें। डेली एक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और देखें, यहाँ से दो फंदे छोड़ देना है, फिर से यहीं से पलट देना है। देखिए, अब यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दो फिर से छोड़ेंगे, पलट देंगे। आप देखें यहाँ पे फिर से इन फंदों को एक साथ में बुनना है। तीन, चार, पाँच, छः, दो फंदा देखिए यहाँ से फिर से छोड़ना है और पलट देना है। ठीक है, आप यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है, पलटना है। इसके बाद फिर से यहाँ पे एक, दो, इस तरीके से यहाँ पे हमें सभी फंदों को बुनना है। लास्ट का देखिए एक फंदा हमारा बचता है, इस तरीके से बुनेंगे। अब यहाँ पे इस साइड को छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे देखिए इस साइड पे हमारा ये उल्टा साइड है, ये सीधा साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड को छोड़ देंगे। दो, दो, चार, दो, छः, दो, आठ, और दो, दो, चार, दो, छः, दो, आठ। देखिए, अब यहाँ पे इस तरीके से पिंक कलर को ऐड करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, और सीधी साइड से दस। देखिए यहाँ पे इस तरीके से पलट देंगे, सीधी साइड से कंप्लीट फंदे बनाएंगे। अब देखें, इस तरीके से एक रो हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद देखें, यहाँ से इसे उतारेंगे और नेक्स्ट फंदा बुनेंगे। एक फंदा बुनेंगे, पीछे की साइड करेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नीचे की साइड पर सभी फंदे बुनेंगे, देखिए इस तरीके से, और नीचे की साइड पर दो फंदे छोड़ देने हैं। ठीक है, यहाँ पे दो फंदे छोड़ते हुए पलट लेना है। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है तो कंप्लीट देखिएगा। अब देखें यहाँ से, सभी फंदे बुनेंगे, ठीक है, सीधी साइड से पलट लेना है।
देखें यहाँ से, फिर से सीधा फंदा लेंगे। किनारे का फंदा हमेशा सीधी साइड से ही बुने, ठीक है। अब देखें यहाँ से इसे उतारना है और नेक्स्ट फंदे से, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, पलट देना है, एक दो तीन चार पाँच सीधी साइड से, फिर से पलट देंगे, किनारे का फंदा एक फंदा बढ़ाएंगे, दो तीन, अब यहाँ पे दो फंदा छोड़ेंगे, पलट देंगे, एक दो तीन चार और पाँच, ठीक है, पलट देना है। आप देखें यहाँ पे जो फंदे हमने बढ़ाए हैं उन फंदों को नहीं छोड़ेंगे, जितने फंदे हमारे यहाँ पे होते हैं उतने फंदे हमें छोड़ने होते हैं दो दो करके। उसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो से इस तरीके से अब नीचे की साइड पे दो का एक करेंगे, एक दो तीन चार और दो दो करके जो छोड़े हैं उसमें से एक फंदा बुनेंगे, पलट देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे एक दो तीन चार और सीधी साइड से पाँच, ठीक है, फिर से पलट देंगे। यहाँ पे दो का एक करना है हमें, ये देखें यहाँ से एक दो तीन चार पाँच और एक नीचे की साइड से, फिर से लेंगे दो में से एक ऊपर की साइड पे, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, पलट देना है, फिर से दो का एक करना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, पलट देंगे सीधी साइड से, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब यहाँ पे दो का एक करेंगे, एक, अब यहाँ पे नीचे की साइड पे हम कंप्लीट फंदे जितने फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए थे उतने फंदे यहाँ पे कम कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे सभी फंदे बुनेंगे, देखिए पिंक वाले जो है इस तरीके से सभी फंदे पिंक से बुनेंगे। अब देखिए एक फंदा जो हमारा होता है इसे नहीं बुनना है, बस ऐसे ही पलट देना है और यहाँ से इसे उतार के बस इस तरफ ऐसे ग्रीन कलर को ले लेना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, अगर इस जगह पे आप ध्यान नहीं देंगे तो ये देखिए यहाँ पे नोक आपकी इस तरीके से बनेगी नहीं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब नीचे के साइड पर ग्रीन कलर के फंदे बुनेंगे, देखिए यहाँ पर पलट देंगे इस तरीके से, देखिए अब यहाँ से पलट देंगे, ठीक है। अब ऊपर की साइड पे इसे उतारना है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे सभी फंदे बुनना है, ठीक है, जो पिंक के हैं इन्हें पिंक से फिर से बुनेंगे, देखिए इस तरीके से। आप चाहे तो जैसे 40-50 फंदे का बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे इस धागे को कट कर दें, चाहे तो आप ऊपर की तरफ ले जाएं। तो यहाँ पे पिंक वाले भी हम ग्रीन से बुनेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, सीधी साइड से लेंगे, पलट देंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए इस तरीके से जैसे इस कली को बनाया है सेम प्रोसेस में इस कली को भी बनाना है, ठीक है, इसी तरीके से हम बार बार स्टेप्स को पूरा करते जाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं फिर कंप्लीट दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने इस डिज़ाइन को 40 फंदों में बना के रेडी किया है।
तो ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट डिज़ाइन 40 फंदों का ये बनके हमारा रेडी हो गया, जो बहुत ही बड़ा सा डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा। अगर आप साड़ी से बनाएंगे तो और भी बड़ा, 40 फंदे में बनके रेडी होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।